हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने किया था लड्डू गोपाल जी का छठी, जिसके जिसके लिए मैंने सुबह से बहुत सारी तैयारियां की थी एंड बहुत सारे पकवान भी बनाए थे। तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए, क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और जो जो मैं अपने डेली रूटीन्स में करती हूँ वो अपनी वीडियोज़ के साथ पार्लर कोर्स के साथ थोड़ा मोड़ा आप लोगों के साथ अपडेट देते रहती हूँ। तो आज हमने ये किया था, इनको पहले मैंने पंचामृत बोलते हैं जिसको, दूध, घी, हल्दी, शहद और दही, सारी चीज़ें मिक्स, गंगा जल मिक्स करके इनको पहले नहलाया, फिर साफ़ पानी से नहलाया, फिर नॉर्मल गंगा जल से नहलाया। उसके बाद फिर इनकी इनका मेकअप जो थोड़ा मोड़ करना चाहिए वो किया और उसके बाद मैंने इनको तैयार कर दिया। फिर जितने भी पकवान बनाए थे, मिठाइयाँ मंगवाई थी, सब कुछ लेके इनका जैसे मुझे समझ में आया, मुझे उतना पता नहीं है, बट जितना आता था पूरी श्रद्धा के साथ मैंने कर दिया है। और उसके बाद मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, तो आप इसको इंजॉय कीजिए। बच्चे भी आए हुए थे, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स, तो वो लोग भी साथ में बैठे थे, तो जो जो किया वो चीज़ आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर लीजिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिलना हो। तो आज मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली वो है, आई लेसेस कैसे लगाते हैं, आई लेसेस लगाने का सही तरीका क्या है, आई लेस लगाते थे हम लोग किन किन चीज़ों का की गलतियाँ करते हैं और क्या सही तरीका है, सब कुछ डिटेल में पता चलने वाला। तो वीडियो को वॉच स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। और आई लेस लगाने में आपको भी प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और पार्लर से रिलेटेड एंड आई लेस लगाने में जिसको जिसको दिक्कत आती है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आई लेस आपको लगाने हैं। तब तक आप ये राधे लड्डू गोपाल जी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। सभी फ्रेंड्स को राधे राधे। अभी आई लेसेस कैसे लगाने हैं वो बताने वाली हूँ। मैं ये वाला आई लेसेस लेके आई हूँ, ये आपको 25 से 30 रुपए में मार्केट में इजीली मिल जाएगा और बहुत इजीली चिपक जाता है और बहुत काफ़ी टाइम तक टिका रहता है जब तक आप इसको खुद से ना निकालो। तो चलिए बताती हूँ, पहले मैं इसको इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। ओके, निकालने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वीडियो पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया आई लेसेस को। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें देखना है कि कौन सा साइड छोटा है, कौन सा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग, और ये आपके आई लेसेस से कितना ज़्यादा बड़ा है, जितना बड़ा होगा उसको आपको कट कर देना है। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, हमारी आईज़ तो छोटी होती हैं बट आई लेसेस हम लोग अपनी आईज़ के अकॉर्डिंग बड़ा ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं चिपक पाता है या फिर कॉर्नर से निकलने लग जाता है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो आपको ये करना है कि आपको कॉर्नर से आई लेसेस को इस तरीके से काट देना है, जैसे मैंने यहाँ पर काटा है। ओके, दोनों साइड से इस तरीके से काट देंगे। एंड आई लेसेस अगर बड़ी हैं आपकी ओरिजिनल आई लेसेस से, तो आई लेसेस को भी थोड़ा सा कट करके छोटा करेंगे। आई लेसेस को कट करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको आई लेसेस को फ्रंट से नहीं कट करना है, बैक से कट करना है। ओके, तो जो ये फ्रंट वाला है वो आपके इनर कॉर्नर पे अप्लाई होगा, जो बैक वाला बड़ा बड़ा आई लेसेस है उसको आपको आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करना है और इस तरीके से कुछ करना है। अगर आपको आई लेसेस लगे आपके ओरिजिनल आई लेसेस से लंबी हैं, बड़ी हैं, उसको थोड़ा सा साइड से कट कर दीजिएगा। ये आई लेसेस ग्लू है,
तो काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर इस तरीके से चिपक गया था। मैं इसको हाथों पे थोड़ा सा इस तरीके से निकाल लूँगी और जो हमने आईलेस निकाला था उसमें कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसका ढक्कन मैंने बंद करके रख दिया। अगर इसका ढक्कन नहीं लगाओगे तो बाद में हो सकता है कि ये सूख जाए पूरा, इसलिए आप उसको अच्छे से संभाल के रखिएगा। अब आई लेसेज को मैंने लिया है और ग्लू को इस तरीके से आई लेसेज पर अप्लाई करना है। और डायरेक्ट आई लेसेज ग्लू लगाने के बाद से तुरंत आपको आई लेसेज को अप्लाई नहीं करना है, 30 सेकेंड का टाइम देना है। इस तरीके से लगा लिया है और 30 सेकेंड इसको छोड़ेंगे, उसके बाद अपनी आईज़ पर अप्लाई करना है, आई लेसेज पे अप्लाई करना है। और डार्क सर्कल को कैसे हाइड करते हैं मेकअप के थ्रू, बहुत इजी स्टेप के स्टेप मैंने कल की वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या फिर आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ग्लू मैंने लगा लिया है और ग्लू थोड़ा मेरे आई लेसेज पर भी लग गया था तो मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, नहीं तो मेरी आई लेसेज काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो उसको कट भी कर सकते हो आप। और इसको जब भी अप्लाई करना है आई लेसेज को तो आपको कुछ इस तरीके से ज़रूर करना है, इस तरीके से। ओके, ध्यान से देखिए, ऐसे करना है ताकि आपके आई लेसेज भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, आपको इसको चिपकाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब यहाँ से मैं ग्लू को निकाल रही हूँ एंड इसको अपनी आईज़ पे अप्लाई करूँगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इनर कॉर्नर से नहीं स्टार्ट करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है और यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट करना है। मिरर में आपको दिख रहा होगा, 1/2 इंच तक का गैप छोड़ देना है और जहाँ से आपकी ओरिजिनल आई लेसेस स्टार्ट है वहीं से इसको भी अप्लाई करना है। अगर आप ज़्यादा इनर कॉर्नर से अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, बाद में आपके इनर कॉर्नर से आई लेसेस निकल जाएंगी जो कि देखने में बहुत ख़राब लगता है और आपका लुक भी अच्छा नहीं लगेगा, अब अनकम्फर्टेबल हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा गैपिंग छोड़ते हुए आई लेसेस को लगाना है। और ये देखिए, बहुत ईजिली बहुत आसानी से चिपक गया है आई लेसेस और ये लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। आपको इसको कट करते टाइम ध्यान देना है कितना ज़्यादा कट करना है कितना नहीं कट करना है, और इनर कॉर्नर से खास चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा इनर कॉर्नर से एक तो आई लेसेस चिपकानी नहीं है, थोड़ा सा गैप छोड़ के चिपकाना है और इनर कॉर्नर से आई लेसेस को कट करना है एंड ग्लू को इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर पर ज़्यादा अप्लाई करना है। उसके बाद आपको 30 सेकेंड छोड़ना है, फिर आपको आई लेसेस पे अप्लाई आई लेसेस पे ओरिजिनल आई लेसेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद ओरिजिनल आई लेसेस के साथ ये आर्टिफिशियल आई लेसेस को इस तरीके से पकड़ पकड़ के दबा देना है ताकि कहीं से ऐसा ना लगे कि आर्टिफिशियल लगाया हुआ है या फिर कहीं से गैपिंग ना दिखे। तो ऑलमोस्ट हमारा आई लेसेस यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। दूसरे आईज पर भी सेम इसी तरीके से आपको आई लेसेस को लगाना है। अभी ये चिपक चुका है, इसको आप जब तक नहीं निकालोगे शाम तक रात तक ये ऐसे का ऐसे रहेगा और बहुत कंफर्टेबल रहोगे इस तरीके से अगर आप आई लेसेस लगाते हो तो। ओके, तो चलिए दूसरी आईज पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो दूसरी आईज पे भी हमने इस तरीके से अप्लाई कर लिया है। ओके, और जो फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके का था। और डार्क सर्कल को कैसे हाइड करना है बहुत इजी स्टेप के साथ बताया हुआ है, तो वीडियो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। पार्लर से रिलेटेड ऑल वीडियो जो मेरे चैनल पे आपको डे बाय डे मिलते रहती हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सारी वीडियोस देखा कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो जो पार्लर का काम सीखना चाहते हैं उनको मेरी वीडियोज़ का चैनल का लिंक प्रोवाइड कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप मुझसे डायरेक्ट पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे आप पार्लर का कोर्स सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको। ऑनलाइन पार्लर का कोर्स मैं वहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल पर जरूर जाइए, सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियो आपको मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएंगी। प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर मेरी रील्स वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर जाइएगा और जाके फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली मेरे दोनों चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। और प्लीज़ सपोर्ट में गाइज, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।